गुड मॉर्निंग बच्चे. सो टुडे फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस रिवीजन टेस्ट वन. आई हैव शेयर्ड द स्क्रीन हियर एंड आई विल बी रीडिंग आउट द क्वेश्चंस फॉर यू पीपल. ठीक है, जिसको भी कोई डाउट है वो क्लियर हो जाएगा. स्क्रीन इज विजिबल आई गेस. द फर्स्ट क्वेश्चन वॉज रूल्स रिगार्डिंग इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी आर मेंशन्ड इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. Four options were there: MOA, AOA, prospectus, certificate of incorporation. So the correct answer is AOA. Objectives MOA में होते हैं. Rules regarding internal management they are mentioned in AOA. ठीक है. Second question: A joint stock company can be formed A without prospectus, without articles, without memorandum, without all the above documents, without prospectus. क्योंकि joint stock company private भी हो सकती है और public limited भी हो सकती है. Private limited company में हम shares general public को subscribe नहीं करते. And what is prospectus? It is an invitation to the public to subscribe for the shares of the कंपनी. ठीक है, तो अगर आप प्राइवेट कंपनी सेटअप कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि आपको पब्लिक से कैपिटल लेनी ही नहीं है. तो देयर इज नो नीड टू इश्यू प्रोस्पेक्टस, राइट. थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गवर्न्ड बाय अ स्पेसिफिक एक्ट. ऑप्शंस आर पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, sole proprietorship, cooperative society, sole proprietorship. Rest all are governed by their respective acts. Partnership, Partnership Act 1932, Joint Stock Company, Companies Act 2013, Cooperative Societies Act 1912. Right? Next, the concept of separate legal existence applies to, चार मैंने लिखे थे इसमें, वन सोल प्रोप्राइटरशिप, टू पार्टनरशिप, थ्री जॉइंट स्टॉक कंपनी, फोर कोऑपरेटिव सोसाइटी. ठीक है, आपको बताने सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट इनमें से किस किस के ऊपर अप्लाई होता है. ए है हमारा वन एंड थ्री, दैट इज सोल प्रोप्राइटर एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी. यस और नो? नो. जो रॉन्ग है उसको नो बोलते जाओ. बी ऑप्शन टू एंड थ्री, पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी. नो आइडिया? पार्टनरशिप में बेटे अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है. जो पार्टनरशिप फर्म होती है उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती. थर्ड, टू एंड फोर, दैट इज पार्टनरशिप एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी. नो. डी ऑप्शन थ्री एंड फोर, जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, दैट्स द राइट आंसर. क्योंकि दोनों ही रजिस्टर्ड है और एक एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती है और जब ये एग्जिस्टेंस में आ जाती है तो दे कैन यू नो स्यू अदर्स, दे कैन बी स्यूड बाय अदर्स, दे कैन एंटर इन टू कॉन्ट्रैक्ट, दे कैन ओन प्रॉपर्टी इन देयर ओन नेम्स. सो दे एक्वायर अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस. कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस? Cooperative society and joint stock company. किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछते जाओ साथ साथ. Fifth question, limited liability is the characteristic of A partnership, B joint stock company, C sole proprietorship, D none of the above. Limited liability, joint stock company. All the shareholders in joint stock company, they have limited liability. मेरे पास एक कंपनी के शेयर्स हैं, मैंने उसमें 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं. कल को वो कंपनी डूब जाती है और मेरे को कॉल आती है कि भाई 1,00,000 रुपए आपने देने, अपने पर्सनल एसेट्स बेच के दो. वुड आई गिव? ऐसे तो कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेगा ही नहीं. हम इसीलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि हमारा रिस्क कहाँ तक लिमिटेड है? लिमिटेड टू द कैपिटल इन्वेस्टेड. Next, which of the following is not true about a minor partner?
माइनर पार्टनर के बारे में ये कौन सी स्टेटमेंट इनमें से ट्रू नहीं है? ए, ही कैन इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इज इट ट्रू? कैन ही इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स माइनर? यस. ही हैज टू बियर लॉसेस ऑल्सो? ही कैनॉट बियर लॉसेस, ही इज अ पार्टनर ओनली इन प्रॉफिट. ठीक है, फिर भी आगे भी पढ़ लेते हैं. He has an option to continue with the firm even after attaining majority. True hai. He shares only profits. So which is not correct? He has to bear losses. Right? Next. Which of the following is not concerned with profession? Manufacturing of goods and services, specialized body of knowledge and skill, code of conduct, formal training. A, manufacturing of goods and services. ठीक है. Eighth question. Commerce includes activities related to trade and dash to trade. Supporting, supplementary, auxiliaries, none of the above. Auxiliaries to trade. Right. Business risk is not likely to arise due to A, power failure, good management, employees' dishonesty, change in tastes. Good management. अगर management अच्छी होगी तो उसमें risk नहीं होगा. ठीक है. Next, name the two broad categories of business activities. A, trade and commerce. B, trade and industry. C, industry and commerce. D, none of these. Industry and commerce. Following are the characteristics of business risk. One of them is not correct. Please identify it. Loss is the reward for risk bearing. Is it correct? You get reward for bearing risk. You get loss for bearing risk. You get profit. So this is not correct. Okay, next time. Business risk arise due to uncertainties. This is correct. Risk is an essential component of every business. Again, correct. Degree of risk varies with the nature and size of business. Correct. All right. Next. Case study based questions. Hain. Mr. Harish Kalara is a farmer and he cultivates sugar cane on a large piece of land in a district in Maharashtra. Mr. Harish has sold his ancestral house for rupees 40 lakh. His son Saksham proposes him to establish a sugar mill with this money as the raw material sugarcane will be available from their own fields. Harish Kalra ek sugarcane ka farmer hai, bahut bade land ke upar sugarcane grow karta hai. Uska ek ancestral ghar tha jo usne 40 lakh ka becha hai. Ab Harish ka beta hai Saksham, wo kehta hai apne father ko कि आप इन 40 लाख को शुगर फैक्ट्री में इन्वेस्ट कर दो, आप एक शुगर मिल खोलो, क्योंकि रॉ मटेरियल तो आपका खुद का है, तो यू विल अर्न गुड प्रॉफिट्स. ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन क्या है? मेंशन द टाइप ऑफ इंडस्ट्री इन विच हरीश इज एंगेज्ड इन, प्राइमरी और सेकेंडरी. प्राइमरी एग्रीकल्चर, फार्मिंग कर रहा है, प्राइमरी. Identify the type of manufacturing industry his son Saksham plans to set up. Options hain, synthetic industry. Type of manufacturing, to char types hoti hai na, unme se identify karni hai. Synthetic, processing, analytical, assembling. Sugar industry is a processing. Kaise? पहले शुगर केन को क्रश करके उसका जूस निकाला जाता है. ठीक है, जूस को फिर प्योरीफाई किया जाता है, फिर उसको क्रिस्टलाइज किया जाता है, फिर उसकी शुगर बनती है. तो प्रोसेसिंग है ना, इसके प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो गई. राइट, अगेन केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं. ऑर्गेनिक टी लिमिटेड इज अ सिंगापुर बेस्ड कंपनी डीलिंग इन इम्पोर्ट ऑफ टी फ्रॉम इंडिया and re-exporting it to many Southeast Asian countries. Organic Tea Limited, एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी है जो कि
इंडिया से चाय इंपोर्ट करती है और फिर वहां से इंपोर्ट करके इसको बाकी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में बेचती है. इट हैज अ ह्यूज गोडाउन नियर द सी पोर्ट वेयर इट हैज मेड साइंटिफिक अरेंजमेंट्स फॉर स्टोरिंग टी टिल इट इज री एक्सपोर्टेड. इसने अपना एक गोडाउन लिया हुआ है सी पोर्ट के पास, जहां पे ऐसे अरेंजमेंट्स हैं कि जब तक टी को री एक्सपोर्ट नहीं करना तब तक वो स्पॉइल ना हो, ठीक रहे उसमें. नेम द टाइप ऑफ ट्रेड इन द अबव केस. एंट्री पोर्ट, इंपोर्टिंग फ्रॉम वन कंट्री एंड एक्सपोर्टिंग टू अनदर, राइट. नेम द एड्स टू ट्रेड बीइंग यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिक टी लिमिटेड. ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, वेयरहाउसिंग. Warehousing. Which utility is being created by the aid to trade identified above? अब अगर ऊपर वाला identify गलत कर लिया, transportation कर दिया, तो उसकी hindrance भी गलत identify करोगे. तो warehousing कौन सी utility create करता है? Time utility. It creates time utility. ठीक है. 17th question, you have to match the columns. First column, मैं एक एक पढ़ देती हूँ और चारों options बताऊंगी, ठीक है? आप बताना इसके साथ कौन सा option match करता है. Formed by an agreement, joint stock company, cooperative society, partnership, sole proprietorship, partnership, ठीक है? Second, not sharing profits, joint stock company, cooperative society, sole proprietorship, sole proprietorship. One man, one vote, joint stock company, cooperative society, right. Transferability of shares, joint stock company. Okay, assertion reasoning based questions hain. Assertion, any person or group of persons who discovers a business opportunity and proceeds to form a company is known as promoter. ठीक है. Reason, private company can commence its operations after obtaining certificate of incorporation. Assertion, alternatives क्या है? A is correct. R is the correct explanation. Is it correct? A correct है. A क्या है? कोई भी person, ग्रुप ऑफ persons या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी किसी भी कंपनी को प्रमोट कर सकती है. रीजन क्या दिया है? कि प्राइवेट कंपनी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है. क्या ये रीजन जस्टिफाई करता है पहली स्टेटमेंट को? लेकिन है करेक्ट. तो बी ऑप्शन ए इज करेक्ट. ए एंड आर बोथ आर करेक्ट, बट आर इज not the correct explanation of A. ठीक है. Again a case based question. Gurpreet, Agam, Shinoy, Dev and Lakshay are partners in a partnership firm. The firm has different types of partners. Gurpreet has contributed capital and participates in the management of the firm. Yani Gurpreet kaun sa partner hua? Active. Agam, okay, has contributed capital, shares profits and loss, has unlimited liability, but does not take part in day-to-day activities. Agam, sleeping partner. Sleeping ko dormant partner bhi keh dete hain bete, theek hai? Shinoy is a partner. His association with the firm is unknown to the general public, but in all other respects, he is just like an active partner, secret partner. Dev has allowed the firm to use his name as he enjoys good reputation among clients, but he neither contributes capital nor takes part in the management. Nominal partner, naam ka partner. Lakshay is 15 years of age and is entitled to the benefits of partnership with the mutual consent of the partners. He is not eligible to take part in the management of the firm and shares only profits and not losses. Ye minor. Okay, let's see what are the questions based on this case study.
In the given case, who is working as an active partner? Gurpreet, first. And what is the nature of his liability? Unlimited. So right option is Gurpreet, unlimited liability. Who is working as a nominal partner and what is his liability? Nominal partner, Dev. Aur uski liability kya rahegi? Unlimited. That's it. Bete, partnership mein kya cheez yaad rakhni hai? Minor ko chhod ke, baki sab partners ki, chahe unhone capital contribute ki hai ya nahi ki. चाहे वो नाम के हैं पार्टनर, चाहे वो अपने कंडक्ट से, अपने इंप्रेशन से अपने आप को पार्टनर प्रेजेंट कर रहे हैं, हर एक की लायबिलिटी क्या रहती है? अनलिमिटेड. ठीक है, जो अपने कंडक्ट या इंप्रेशन से अपने आप को पार्टनर कहते हैं उनकी लायबिलिटी, जो उनके नाम के ऊपर किसी ने लेट से क्रेडिट दिया है, उतने तक की उनकी लायबिलिटी रहती है. ठीक है, all right, so that's all for the test. Now let's start with the revision part. Humne banking business services start kiya hua tha, hai na? So business services hum continue karte hain. Second business service hamari kaun si hai? Insurance. What is an insurance? Bete, insurance jo hai ye ek instrument hai, ek agreement hai do parties ke beech mein, जहां पे एक पार्टी अग्री करती है. जी क्या नहीं करवाया? डिजिटल पेमेंट्स, चलो वो भी करवा देते हैं. ओके, डिजिटल पेमेंट में सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट हमने कर लिया था, विच वॉज कार्ड्स, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड. ठीक है, उसके बाद है यूएसएसडी, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा. इस ये बेटे ऐसी ट्रांजेक्शन है जिसमें आप कोई भी फोन, सिंपल फोन, यू नीड नॉट हैव अ स्मार्टफोन, एनी सिंपल फोन विदाउट इंटरनेट कनेक्शन, यू कैन प्रेस *99#. ठीक है, एंड यू कैन अवेल सर्विसेज. जब आप ये डायल करेंगे ये नंबर अपने कीपैड से, आप *99#, आज भी करके देख लेना, मैंने उस दिन भी आपको प्रैक्टिकली भी करके बताया था, आप डायल करोगे तो आपके पास एक मेन्यू खुल के आ जाएगा, चार पांच सर्विसेज, जिसमें नंबर वन चेक योर बैलेंस, मेक पेमेंट. ठीक है, इस तरह की चार पांच, रिमिट फंड्स टू एन अदर अकाउंट, चार पांच ऑप्शंस आ जाएंगी. आपको जौन सी सर्विस अवेल करनी है वो आप क्लिक कर देंगे, आगे आगे जैसे जैसे वो कहता जाएगा आप करते जाओगे और आपको वो, यू कैन अवेल दैट सर्विस. ठीक है, सो जैसे कि मैंने बताया कि इस टाइप ऑफ सर्विस में पेमेंट कैन बी मेड विदाउट मेकिंग यूज ऑफ इंटरनेट डेटा. ठीक है, सो इसका मेन पर्पस है टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट ऑफ इंक्लूजन अमंग द अनडिजर्व्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. क्योंकि इंडिया में आपको पता है 21% पीपल आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, तो जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है वो मोबाइल फोन, वो डिजिटल पेमेंट बिना स्मार्टफोन से, उनके लिए दे विल नेवर बी इंक्लूडेड, फाइनेंशियल इंक्लूजन कभी नहीं रहेगी. अगर हम डिजिटल पेमेंट्स ओनली थ्रू इंटरनेट कर पाएंगे तो ये जो 20% लोग हैं जो कि पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं, जिनके पास दो टाइम का खाना खाने के पैसे नहीं है, जो कि आने वाले टाइम में लगता नहीं है कि स्मार्टफोन अफोर्ड कर पाएंगे, ठीक है, वो किस तरह से डिजिटल पेमेंट कर पाएंगे. तो बट समटाइम्स आप बोलो कि मैम इतना तो वो कमाते हैं, उनको डिजिटल पेमेंट करने की क्या जरूरत है? बेटे उनको जरूरत रहती है, एक उनको भी जरूरत है, दूसरा जब हमने अपनी डिजिटल इंडिया मूवमेंट चलाई हुई है तो उसमें जब तक सब लोग इंक्लूड नहीं होंगे वो सक्सेसफुल नहीं होगी, है ना. तो दूसरी बात, कई बार उन्होंने अपने गांव में पैसे भेजने होते हैं तो इस करके भी उनको उनके, और वो इतने मेहनत करते हैं, सारा दिन वो काम करते हैं, और पोस्ट ऑफिस या बैंक जाके मनी ऑर्डर करवाना उनके लिए मुश्किल रहता है. ठीक है, तो अगर वो घर बैठे अपने फोन से कर पाएंगे तो नथिंग लाइक दैट. सो इसीलिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूएसएसडी की सर्विस स्टार्ट की टू प्रमोट फाइनेंशियल और टू क्रिएट एन एनवायरमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन.
among the undeserved sections of the society. ठीक है, next है बेटे आधार enabled payment system AEPS. तो इसमें आप आधार कार्ड का इस्तेमाल करके अपने आधार कार्ड को बैंक के साथ लिंक करके आप ये पेमेंट सारी की सारी कर सकते हो, अपने बैलेंस की इंक्वायरी कर सकते हो, कैश विदड्रॉ करवा सकते हो, कैश डिपॉजिट करवा सकते हो. ठीक है, आधार टू आधार कार्ड ट्रांसफर्स भी करा सकते हो. वही बात, जैसे कोई एक रिक्शा वाला है, उसने अपने गांव में पैसे भेजने हैं, उसका आधार कार्ड बना हुआ है और उसकी फैमिली का भी उधर आधार कार्ड बना हुआ है, तो आधार टू आधार ये पेमेंट जो है ट्रांसफर हो सकती है. आपको ब्रांच, बैंक की ब्रांच में फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है और ना ही आपको कोई डेबिट या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने की जरूरत है, कहीं पर भी सिग्नेचर कराने की जरूरत नहीं है. ओनली थिंग विच इज रिक्वायर्ड इज कि आपका जिस बैंक में अकाउंट है वहां पे आपका जो आधार कार्ड है वो रजिस्टर होना चाहिए. क्लियर. नेक्स्ट है बेटे यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस. तो इसमें क्या होता है, कोई भी आप यूपीआई बेस्ड ऐप अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं. देर आर मेनी यूपीआई बेस्ड एप्स लाइक गूगल पे, पेटीएम, फोन पे. ठीक है, तो आप उसमें आपको आपने सिर्फ क्या करना होता है, उसको डाउनलोड करना है. उसके बाद वो आपसे पूछेगा आपने कौन सा अकाउंट लिंक करना है, तो आपका अकाउंट आप नंबर दे दोगे उसमें. उसके बाद वो आपको एक पिन, यूपीआई बेस्ड जो है वो पिन आपको बोल देगा, 6 digits का होता है. वो आपने कुछ भी जो अपना फिक्स किया हुआ है, कभी भी वो यूपीआई बेस्ड ऐप जो है खुलेगा नहीं विदाउट दैट. आपका ये एक तरह से क्या है, पासवर्ड है. ठीक है, तो अगर आपने 216876 ये दिया हुआ है तो जब तक आप ये नहीं दोगे तब तक ये नहीं खुलेगा. दिस इज योर पासवर्ड. सो वंस इट इज ओपन आपको बहुत ही ईजी है ये ऑपरेट करना. आई गेस आपके पेरेंट्स भी कर लेते होंगे इसको ऑपरेट. वहां पे ऑप्शंस आ जाती हैं, आपको पेमेंट करनी है, आपको अपना बैलेंस चेक करना है, वो सारी ऑप्शंस. आप फोन नंबर से, अगर आपको लेटर से आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में एक फ्रेंड है उसको पे करना है, तो आप अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट खोलिए, पे टू सो एंड सो. ठीक है, उसका फोन नंबर उसके अकाउंट से लिंक्ड है. जैसे आपका फोन नंबर आपके अकाउंट से लिंक्ड है, उसी तरह उसका फोन नंबर भी उसके अकाउंट से लिंक्ड है. आपने सिर्फ उसका फोन नंबर डालना है, बाकी सारा प्रोसेस ऑटोमेटिकली होगा और विद इन सेकेंड्स उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे. ठीक है, दिस इज यूपीआई बेस्ड ऐप. ठीक है बच्चे, तो गूगल पे इज अ यूपीआई बेस्ड ऐप और बहुत सारे आजकल तो एप्स आए हुए हैं मार्केट में जो कि आपके अकाउंट के साथ लिंक्ड होते हैं. आपको कोई शॉपिंग करनी है, ऑनलाइन शॉपिंग, तो भी आप इन यूपीआई बेस्ड एप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. आप मार्केट में जाते हो, उन्होंने वो रखा होता है अपना कोड, यूपी कोड, आप उसको स्कैन करो. दो तरह से होती है इसमें पेमेंट, एक पासवर्ड से, दूसरी स्कैन कोड से. अगर एक फोन नंबर भर दिया आपने, ठीक है, शॉप पे गए, आपने शॉपकीपर से फोन नंबर पूछा कि जो आपका गूगल पे के साथ अटैच्ड है, वो फोन नंबर भर दिया. नहीं तो वो क्या करते हैं आपको, वो एक वो उन्होंने कार्ड सा रखा होता है जिसपे स्कैन कोड स्कैन करना होता है. ठीक है, वो आप स्कैन वाला अपना ऑप्शन ऑन कर लो फोन पे, वो स्कैन ऑन कर दो. जैसे ही वो स्कैन होगा उसका नंबर आ जाएगा कि आपने इसको पेमेंट करनी है, कितनी पेमेंट करनी है. पेमेंट भरो, एरो प्रेस करो, पेमेंट विल बी ट्रांसफर्ड इमीडिएटली. ठीक है, सो दीज यूपीआई बेस्ड एप्स, दीज हैव यू नो एलिमिनेटेड द नीड टू कैरी सो मच कैश इन योर पॉकेट्स. पहले आप ट्रेवल करते थे या एक जगह से मार्केट में शॉपिंग करने के लिए जाते थे, शादी है घर में, शॉपिंग करने के लिए जाना है, 2 lakh rupees बैग में रख के लेके जा रहे हो, रास्ते में चोरी हो गए. ठीक है, तो इन एप्स के थ्रू आपको अब इतना कैश कैरी करने की जरूरत नहीं है, आप डिजिटली पेमेंट कर सकते हो. दीज आर यूपीआई बेस्ड एप्स. दूसरे होते हैं बेटे मोबाइल वॉलेट्स. मोबाइल वॉलेट्स भी एप्स होते हैं, उनको आप अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए. जैसे पेटीएम का एक वॉलेट भी और यूपीआई बेस्ड ऐप भी है,
ठीक है, तो आप उसमें जितने पैसे डाल सकते हैं ना अपने अकाउंट में से, जितना आपको जरूरत है उतने पैसे डाल दीजिए, जिस तरह से आप अपने वॉलेट में अपने पैसे अपनी मर्जी से रखते हैं, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 10 रुपए रखते हैं, उसी तरह मोबाइल वॉलेट एक वर्चुअल वॉलेट है, आपको जितने पैसे अपने अकाउंट में से उसमें रखने हैं रख लीजिए और उसको आप जब मर्जी यूज कर सकते हैं। इसी तरह जिस तरह यूपीआई बेस्ड ऐप होता है उसी तरह से पेमेंट इन मोबाइल वॉलेट्स के थ्रू हो जाती है, ठीक है। देन देयर इज वन भीम ऐप, ये भी यूपीआई है, सो वर्चुअल, इसमें भी बिल्कुल सेम ही है, बट ये है कि ये गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप किया गया। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ डिजिटल पेमेंट्स, क्लियर है? ओके, सो नेक्स्ट इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द टू पार्टीज ए एंड बी, वेयर बाय वन पार्टी अग्रीज टू कंपनसेट द लॉस सफर्ड बाय अनदर पार्टी इन रिटर्न फॉर द कंसिडरेशन कॉल्ड एज प्रीमियम। एक पार्टी दूसरी पार्टी को कहती है, अंडरटेक करती है, ए कहती है, ए गारंटी लेती है बी के बिहाफ पे कि बी अगर तेरे को कोई नुकसान होता है तो ये नुकसान मैं तेरा भर दूंगी, ठीक है, आई विल कंपेंसेट योर लॉस, बट इन रिटर्न यू हैव टू पे मी सम। अग्रीमेंट है ना बेटे, अग्रीमेंट में दोनों के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, वन वे अग्रीमेंट कभी नहीं होता। तो ए कहती है कि मैं तेरा लॉस जो है, अगर तेरे को कोई लॉस आता है तो आई विल बी कंपेंसेटिंग योर लॉस, बट इन रिटर्न यू हैव टू पे मी सर्टन सम ऑफ मनी पीरियोडिकली, इट कुड बी मंथली, इट कुड बी क्वार्टरली, इट कुड बी ईयरली। उस कंसिडरेशन को क्या कहा जाता है? प्रीमियम। सो इन रिटर्न फॉर द प्रीमियम ए अग्रीज टू अंडर टू मेक गुड द लॉस सफर्ड बाय बी। हियर ए विल बी कॉल्ड एज इंश्योरर, द वन हु अंडरटेक्स टू मेक गुड द लॉस इज इंश्योरर, एंड द वन हु गेट्स इंश्योर्ड इंश्योर्ड। ओके, सो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड सर्टन फंक्शंस। नंबर वन, इट प्रोवाइड्स सर्टेनिटी, इट प्रोवाइड्स सर्टेनिटी। सर देखो, लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज, कभी भी आपको कोई भी नुकसान हो सकता है, तो इंश्योरेंस जो है इन अनसर्टेनिटीज को रिमूव करती है और एश्योर्ड को एक पेमेंट, लॉस की पेमेंट मिल जाती है। सिमिलरली इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। इंश्योरेंस बेटे हैपनिंग को रोक नहीं सकती, लेकिन उस हैपनिंग के करके जो नुकसान हुआ है उसको कंपनसेट कर सकती है। देन रिस्क शेयरिंग। इंश्योरेंस कंपनी कैसे अंडरटेक करती है? इसका करोड़ों का नुकसान हो गया, इंश्योरेंस कंपनी कहती है मैं तेरा नुकसान भर दूंगी। हाउ डज दिस मैकेनिज्म वर्क? दिस मैकेनिज्म वर्क ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क शेयरिंग। ए ने सिर्फ बी का ही लॉस नहीं इंश्योर किया, इस तरह के हजारों लोग हैं, ठीक है, जिसको इसने प्रॉमिस किया है कि आपका नुकसान हुआ तो मैं लॉस कंपेंसेट करूंगी, ठीक है, इसके बदले क्या ले रहा है इन सब से? प्रीमियम। अब प्रीमियम तो सबके ने सबने देना है, नुकसान सबको होना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that A will suffer the loss? If millions have got insured, then what is the probability that one will suffer loss? 1/1,000,000? Yes? So probability is very less. के सबका नुकसान हो जाए ये probability बहुत ही कम है, लेकिन premium सबको मिलना है, तो अगर किसी एक का नुकसान सबने देना है, अगर किसी एक का नुकसान हो भी जाता है तो A के पास सबका premium है, उसमें से वो उसका loss good कर देगी, कंपनसेट कर देगी। इसका मतलब ये कौन से मैकेनिज्म के ऊपर बेस्ड है? रिस्क शेयरिंग। ये जो रिस्क है, एक बी का रिस्क है, वो सब में डिफ्यूज हो गया, डिवाइड हो गया, ठीक है, कल को बी को नुकसान होता है तो ए पे कर रही है, लेकिन कहां से पे कर रही है? फ्रॉम द प्रीमियम अमाउंट ऑफ ऑल ऑफ दीज इंश्योर्ड। सो इट इज द मैकेनिज्म ऑफ रिस्क शेयरिंग, राइट। Then assist in capital formation. Can anyone explain this point? How insurance assists in capital formation? What do you mean by capital formation? Anyone?
कैपिटल फॉर्मेशन मींस इन्वेस्टमेंट. तो जितना भी ये प्रीमियम कलेक्ट करती है इंश्योरेंस कंपनीज, ये क्या करती है इनका, ये आगे इन्वेस्ट कर देती हैं कंपनीज के शेयर्स में, म्यूचुअल फंड्स में, ठीक है, इन्वेस्ट कर देती हैं. इससे इकोनॉमी आगे की तरफ बढ़ती है, ग्रो करती है. ठीक है बेटे, हर इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, इन्वेस्टमेंट के लिए फंड्स चाहिए, तो इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड्स फंड्स. सो इन दिस वे इट असिस्ट्स इन कैपिटल फॉर्मेशन. दैट्स ऑल फॉर टुडे.